अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अल्लाह बख्श ते तुसा देखते पे हो साडा यूट्यूब चैनल लालू आवाम। अज जड़ा है असा एक तो छोटे जे बिजनेस के बारे मालूमात देवांगे, चावल छोले वाले दे बारे। इन्होंने माशाल्लाह जड़ा है ना चावल छोले अपने रेहड़ी के उत्ते बनाए हुए हैं और ये बड़ी बेहतरीन इनकम इस तो कर रहे हैं और थोड़े जे सरमाए दे नाल ये बेहतरीन दिहाड़ी, यानी कि जिस तरह अजकल लोग बड़े दूर दूर तक जाके ते दिहाड़ियां करते हैं, बड़ी मुश्किलात का भी सामना करते हैं, तो इसके बावजूद उन्होंने 700-800 रुपए यानी कि दिहाड़ी मिलती है, जेडे दे विच उन्हां दा किराया खर्चा भी लग पैंदा है, बाहर खावण पीवण का भी उन्हां दा खर्चा होंदा है। इन्हां ने माशाल्लाह छोटे जे पैमाने के उत्ते घर के विच सिस्टम किया होया, सुबह आते हैं तो शाम को घर वापस चले जाते हैं, तो अलहमदुल्ला 10,000 to 1,500 रुपए जेड़ा ना ये दिहाड़ी बना के चले पैंदे ने। तो अज असा इन्हों का इंटरव्यू करते हैं, इन्होंने को पुछते हैं भी देखा इन्होंने कितना किस देते खर्चा किया है, कितनी इन्होंने इस तू यानी कि टाइमिंग देंगे ने, तो सारा जोड़ा है असा इन्होंने को पुछ के तो दसद। हाँ हूँ जनाब असा इन्हों की रेहड़ी उत्ते पहुँच आया, तो हूँ जोड़ा इन्होंने को असा तफसील पुछते हैं कि देखा इन्होंने कितना इस देते खर्चा किया है, कितना डेली इन्वेस्ट करते हैं, तो कितनी इन्होंने तकरीबन बचत हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सब तो पहले भाई तुसा साडे नाज़रीन नू अपना नाम दस्सो। सोचा मेरा नाम है जी गुलाम फरीद। ते केड़े इलाके नाल तोड़ा तालक है? साडा तालक चक नंबर 234 अड्डा शरताबाद। अच्छा ते हुण तुसा केड़े अड्डे दे उत्ते काम कर रहे हो? असी अड्डा 217 ते काम करदे पए हां। अड्डा 217 दे उत्ते काम कर रहे हो? अच्छा ते हुण तुसा साडे नाज़रीन नू दस्सो कि ये जिहड़ी तुसा रेहड़ी बनाई हुई है जी, ये रेहड़ी के उत्ते थोड़ा कितना खर्चा आ गया? तकरीबन 50,000 रुपए। 50,000 रुपए रेहड़ी के उत्ते सिर्फ खर्चा आया या जेड़े नाल तुसा ये देगड़े वगैरह या मुकम्मल मुकम्मल खर्चा? मुकम्मल खर्च जेड़ा है वो तकरीबन थोड़ा 50,000 रुपए हो गया। तो पर डे यानी कि जेड़े तुसा ये चावल वगैरह बनाते हो इस उत्ते थोड़ा कितना खर्चा आवेंदा है? तकरीबन 2,000 रुपए। अच्छा पर डे थोड़ा 2,000 रुपए, ये यानी कि जेड़ा तुसा सलाद का समान बनाते हो और ये जेड़े चावल बनाते हो इस उत्ते पर डे थोड़ा 2,000 रुपए खर्च आता है। तो ये तुसा केड़े केड़े यानी कि नमकीन चावल तो मिठे चावल दोनों बने दे हो या नमकीन मिठे दोनों बने दे? अच्छा नमकीन और मिठे तुसा दोनों बने दे हो। तो ये तकरीबन कितना को तुसा बने दे हो, यानी कि 1.5 किलो किलो 2 किलो कितना को? 2.5 किलो बने दे जी, 2 किलो मिठे, 2 किलो आधा नमकीन। अच्छा नमकीन थोड़ा कम चलता है तो मिठा चल? मिठे कम चल रहा, नमकीन ज़्यादा चल रहा। अच्छा मिठा यानी कि तकरीबन 2 किलो तो अद्धा किलो जड़ा है वो तुसा मिठा बनाते हो तो बाद नाल मिक्स करके दे देंगे हो। तो ये बात तुसा साडे नाज़रीन नू दसो चाह के तकरीबन तुहानू कितनी की यानी कि इसदे विचों रोज़ी बच जाती है? अलहमदुल्ला शुक्र अलहमदुल्ला गुजारा चल रहा है, कभी 1,000 बच जाता, कभी 800, कभी 900। अच्छा तो सैकेंड टाइम बाद तुसा इस दे उत्ते यखनी का भी काम करते हो जी? अच्छा यानी कि फर्स्ट टाइम तुसा इसदे उत्ते चावल का काम करते हो तो सैकेंड टाइम जोड़ा है तुसा इसदे उत्ते यखनी का भी काम कर गिंदे हो? हाँ ठीक है नाजरीन, तुसा सुना है ये जानी कि 1,000 to 1,500 रुपए जोड़ा है वो तकरीबन इस चावल के बचा गिंदे ने, जोड़ा ये 1.5 to 2 बजे तक ये काम करते हैं। उस तो बाद सैकेंड टाइम यानी कि तकरीबन 4:30-5 बजे आके जनाब ये अपनी यखनी की रेहड़ी ला गिंदे ने, तो तकरीबन 1,000-1,500 रुपए उद्दे विचों बचा गिंदे ने और ये तकरीबन बन जाता इन्हों का तकरीबन 2,500-3,000 रुपया जरा पर डे कमा रहे हैं। और इन्होंने सरमायाकारी कितनी की हुई है जी? 1,000 रुपया इन्होंने मुस्तकिल और 2,000 रुपया जनाब पर डे के हिसाब ना सरमायाकारी करते हैं, जेडे दे विचों ये तकरीबन 2,000 to 2,500 रुपए बचा गिंदे ने। तो अगर कोई इस कारोबार को शुरू करना चाहे तो बड़े कम यानी कि मार्जिन के नाल शुरू करके अपनी ये बेहतरीन रोज़ी बना सकता है। असा किसान ये नाल ही तुरे को इजाजत आखिर के उत्ते ये रिक्वेस्ट के सारे चैनल में जनाब सबसक्राइब तो लाइक जरूर किया करो ता कि जनाब असं जी मेहनत करें मुख्तलिफ जगह पर बन के असं वीडियो बनाते हैं और तो नवे नवे आइडिए देंगे तो सूँ भी यानी कि थोड़ा बेनीफिट हो वे। इस असा किसान इजाजत अल्लाह।